सीरियल निमकी विधायक में आज जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, वैसे नज़ारे इससे पहले आपने नहीं देखे होंगे। आज निमकी ने वो कर दिया है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, निमकी ने मिंटू पर गोली चला दी है। दरअसल गंगा देवी ने मिंटू और महुआ को कर लिया है किडनैप, और गुंडों से बचने के लिए मिंटू महुआ को लेकर जंगल में भागते हैं, और वहीं निमकी भी महुआ को ढूंढने के लिए अभिमन्युओं के साथ जंगल में पहुंच जाती है। बस जंगलों से मैं मौज हो रही हूँ, और हम लोग महुआ को ढूंढने निकले, महुआ अगवा हो चुकी है, और किसने कराया ये नहीं पता, और मिलती हमको जंगल में मिंटू के साथ है। तो अब क्या चक्कर चल रहा है इसको देखने के लिए, इसको पता लगाने के लिए सीरियल देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आता है एक शॉकिंग ट्विस्ट, वो ये है कि जंगल में भागते भागते महुआ पेड़ से टकरा कर नीचे गिर जाती है, और मिंटू उन्हें होश में लाने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ निमकी दूर से देख रही होती है, और वो हो जाती है गलत फहमी का शिकार। मुझे लगता है कि एक्चुअल में मिंटू उसका रेप कर चुका है, और जो मुझे फ्लैशबैक्स आते हैं फिर बब्बू के, कि मेरे साथ भी यही हुआ था, तो वो गलत फहमी हो जाती है। उस गलत फहमी में बंदूक चला देती हूँ, तो क्योंकि बात उसकी बहन की है, तो डेफिनेटली अपने जो फैमिली पे बात आती है, डोंट थिंक ट्वाइस, और आप जो आपके उस टाइम पे दिमाग में आता है वो कर जाते हैं। आई थिंक दैट्स लाइक इंस्टेंट रिएक्शन, और एनी वन हु लव्स देयर फैमिली वुड डू। तो जाहिर है कि है कि हाँ, कि शायद कुछ पराग नहीं ना किया हो, बिकॉज वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो वो पता लगाना है कि आप भी जो मिंटू को भी इतने टाइम तक गायब रखा था, बंद करके रखा था, वो किसने रखा था, और मामा को भी अगवा किसने किया था, उनको छोड़ा भी किसने, वो यहाँ पे कैसे पहुँचे, ये सब बात नहीं पता चलेगा। बस फिर क्या था, निमकी अपना आपा खो देती है और गुस्से में मिंटू पर ही गोली चला देती है। हाँ, गोली लग जाती है, गिर जाता हूँ मैं, बेहोश हो जाता हूँ। अभी उसके बाद क्या होगा आई डोंट नो, क्योंकि आगे की स्क्रिप्ट हमें पता नहीं है। हाँ, अभी उसको कुछ भी खबर नहीं है इस बारे में कि उसने किडनैप किया था, बट उसको धीरे धीरे पता चलेगा आगे जाके, और उसका रिएक्शन जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। और उसको ये भी रियलाइज़ होगा बाद में, जब महुआ बताएगी कि इसने मेरे को बचाया है ना कि मारा है, और कुछ ऐसा नहीं कर रहा था वो, तो उसको बहुत गिल्ट फील होगा, और वो आएगी मुझसे बात करने। देखिए तो ज़रा, खून से लथपथ मिंटू को कुछ भी होश नहीं है। मैं खुद को देख के शीशे में डर गया था कि ये क्या कर दिया मेरे साथ। नहीं, बट ये मेरे को रियल में लगी थी 15 दिन पहले, बट ये सब फेक है। ये एक्चुअली कुछ एक सीन कर रहा था मैं, जिसमें दादी के इलाज के लिए पैसे नहीं हो पा रहे थे, और मैं फ्रस्ट्रेशन में कांच पे हाथ मार देता हूँ, तो कुछ ज़्यादा ही मैं एक्शन हीरो बन गया, और मैंने खुद ही कर दिया वो, और लग गई मेरे 9 स्टिचेज आए थे, बट अभी ठीक है। तो ये सीन के बारे में बताता हूँ मैं, कि इसमें एक्चुअली क्या है, मेरे को किडनैप कर लेते हैं गंगा देवी, और महुआ को भी वहीं पे किडनैप करके रखा है जहाँ पे मुझे रखा है। तो वहाँ से फिर मैं उसको लेके भागता हूँ, और यहाँ जंगल में मैंने मतलब फाइट वाइट करके मैं गुंडों से उसको लेकर भागा हूँ, और यहाँ पे आके निमकी मुझे देख लेती है, और उसको ऐसा लगता है कि मैं बब्बू सिंह हूँ, और मैं रेप करने वाला हूँ उसकी बहन का भी, जो मैंने उसके साथ किया था, बट एक्चुअली मैं मिंटू हूँ, मैं बब्बू नहीं हूँ। तो वो उसको रियलाइज़ नहीं होता उस टाइम पे, और वो मेरे को शूट कर देती है, और मेरे कहीं पे तो गोली लगेगी, आई डोंट नो क्या होगा आगे। आई थिंक बच जाऊँगा ऐसा मुझे लगता है, और नहीं नहीं बच जाऊँगा, और आगे की स्टोरी यही है कि वो मतलब बेसिक स्टोरी मुझे थोड़ी थोड़ी पता है कि वो आएगी मेरे पास सॉरी बोलने के लिए, और मैं नहीं बात करूँगा, समथिंग लाइक दैट, बट एग्जैक्टली क्या है वो मुझे भी नहीं पता। Well, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या निमकी को अपनी गलती का एहसास होगा, क्या गंगा देवी की सच्चाई निमकी के सामने आएगी। इन सारे सवालों के जवाब के साथ हम जल्द ही लौटेंगे। मुंबई से जारा खान की रिपोर्ट, E24।